नमस्कार, आज हम हैं मंडी आदमपुर के अंदर। मंडी आदमपुर के अंदर कोई राजनीतिक मुद्दा लेके नहीं, एक बड़ी घटना जो मंडी आदमपुर के अंदर हुई है उसको लेकर आए हैं। यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है। एक लड़का था जहाँ नवीन नाम का, जो कृष्ण प्रणाम स्कूल में पढ़ता था, यहाँ पर लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। न उनको कानून सहायता मिल रही है और न ही उनको किसी तरह की कानूनी रूप से कोई जो उठानी चाहिए प्रक्रिया है वो मिल रही है। हम आपसे अवगत कराते हैं, यहाँ पर बहुत से जो ग्रामीण है वे इकट्ठा हुए हैं। हाँ जी नमस्कार भाई साहब, ऐसा क्या हुआ कि किस कारण यहाँ पर? मैं आपको बताना चाहूंगा, नवीन नाम का जो लड़का था वो गांव खेरमपुर से था। अच्छा, कृष्ण प्रणाम स्कूल में शायद 9th या 10th क्लास में पढ़ता था, लेकिन उस बच्चे ने कोई ऐसी घटना देख ली स्कूल के अंदर है, जिसके कारण लगातार टीचर के द्वारा उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो ऐसी घटना कहीं किसी के आगे जिक्र न दे, कोई पोल पट्टी खुल न जाए। तो उसको परेशान किया गया, डेली उसकी पिटाई होती थी। 3-4 CCTV फुटेज आई है जो मैंने अपलोड भी की हुई है और मैं आपको दे भी दूंगा, सारी आदमपुर की जनता ने वो देखी है। लगातार उसके अंदर उस बच्चे को इस तरह पिटा गया, खिड़कियों के मारा गया, दीवारों के पटका गया, लातों से घुसों से पिटा गया। बच्चा यहाँ पटने के लिए आता है या मार खाने के लिए आता है, इस प्रकार उसको मेंटली रूप से टॉर्चर किया जा रहा था। तो बच्चा बिल्कुल परेशान हो गया था और घर जाने के बाद फिर उस महज 10 से 12 साल की उम्र थी बेचारे, छोटा सा मासूम निकलौता बच्चा था जी, वो आया, फिर उसने ट्रेन के आगे बच्चे ने आकर जान दे दी। और उसके बाद में अभी तक उसका कोई पता नहीं चला कि उसने सुसाइड किस कारण, ये हत्या इसके कारण ही हुई है, जिस स्कूल के प्रशासन में जो स्टाफ है, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम देख रहे हैं लगातार धरने पर बैठे हैं, इनके पास गए 2-3 दिनों के बाद तो इन्होंने एफआईआर दर्ज की है। उस टीचर का, जो टीचर था उसका एक कोई बड़ा भाई का उसका अधिकारी बताया जा रहा है, IPS है, पता नहीं IAS है, बंगाल के अंदर कमिश्नर है। तो उस दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं तो आम जनता से, ग्रामीणों से अपील करूंगा, गुहार लगाऊंगा कि एक बार आवाज उठाने के लिए, समर्थन देने के लिए उसके पिताजी यहाँ मौके पर धरने पर बैठे हैं। अपने एक साथियों, आप भी बता सकते हो, अगर एक टाइम बच्चा रोटी नहीं खाता तो उसकी माँ किस प्रकार विलखती है, उसके पीछे घूमती रहती है। लेकिन यहाँ तो एक छोटा सा इकलौता चिराग बुझा दिया इन्होंने। उसका भी कोई सपना था, उनके पेरेंट्स का भी सपना था कि बच्चा आगे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जज बनेगा, वकील बनेगा, इस तरह इन्होंने सपने लिए थे। स्कूल की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, स्कूल की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, स्कूल प्रशासन ने ताला लगा दिया और गायब हो गए सारे के सारे। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि स्कूल प्रशासन उसको ढूंढने में मदद करे, अगर कहीं भी वो छिपा हुआ है बिल के अंदर, कहीं भी छिपा हुआ है, वो एक अध्यापक नहीं हो सकता। जो एक बच्चे की जान ले ले, छोटे से बच्चे की, वो तो एक भेड़िया है, एक राक्षस है, एक दानव है, उस दानव को पकड़ने में मदद करे, स्कूल भी मदद करे उसमें। अगर कहीं छिपा रखा है, आपने उसको लेके आए, पुलिस प्रशासन को सौंपे, और मैं तो CBI मांग करता हूँ, जांच की मांग करता हूँ कि उसके साथ बच्चे में जो साथ बैठते थे क्लास के और बच्चे छात्र छात्राएं, वो उनसे पूछे, जानकारी ले कि इसके ऊपर क्यों इतना दबाव बनाया जा रहा था, कि बच्चे ने किसी और के आगे भी इस घटना का जिक्र किया होगा तो क्लास के और भी छात्रों से पूछे। हाँ जी, आपका क्या कहना है जी? जो नौवीं कक्षा, आज नौवीं कक्षा का जो छात्र है नवीन, जो 10 तारीख को ट्रेन के आगे आकर के आत्महत्या कर ली, उसके पीछे वो एक आत्महत्या नहीं है, वो एक मर्डर है। स्कूल टीचर के द्वारा जिस प्रकार से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, बच्चे को मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, उसको सहमा हुआ बच्चा बार बार पिटाई से तंग आकर के बच्चे ने ट्रेन के आखिर आत्महत्या कर ली। दूसरा पहलू इसमें यह है, ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या टीचर छुपाना चाहता था जो उस बच्चे की जान ले ली? ऐसा क्या स्कूल प्रशासन उस टीचर की करतूतों को छुपाना चाहता है जो आज इस धरना प्रदर्शन में अपना समर्थन देने के लिए आए, उस बच्चे को न्याय दिलाए? एक मासूम बच्चा जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, उसकी माँ चीख चीख कर ये पुकार कर रही है उस बच्चे को न्याय मिले, ऐसा इस स्कूल में क्या घटना घट रही थी? तो कोई पुलिस सहायता, कोई और? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, 5 दिनों के बाद कल FIR हुई है रेलवे पुलिस में हिसार में। अभी तक प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन है कि कार्रवाई करेंगे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अभी SHO साहब ने आश्वासन दिया है कि आप कानून को हाथ में ना लें, शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन ले, लेकिन कानून तो आदमपुर की एक जागरूक जनता है वो नहीं लेगी, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेगी, कानून नहीं लेगी। लेकिन उस टीचर ने एक प्रकार से, सभी गुरुजनों को कहते हैं कि अध्यापक, एक टीचर तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो अध्यापक के रूप में एक प्रकार से भेड़िया है, राक्षस है, और उसने कुछ ऐसा किया है जो जनता से छुपाना चाहता है, और आदमपुर की जनता भी ये चाहती है, और भी बच्चे हैं, अभिभावक हैं, वो ये जानना चाहते हैं स्कूल में चल क्या रहा है, उसी के लिए सब लोग आए हुए हैं। और हम प्रशासन से, हरियाणा सरकार से एक मांग करते हैं कि बच्चे को निष्पक्ष रूप से न्याय मिले और सब लोगों का आश्वासन दे। धन्यवाद। इन भाइयों का कहना है कि क्या ऐसा क्या हुआ
ऐसा क्या हुआ कि उस बच्चे ने क्या से देखा कि ऐसा क्या हुआ कि बच्चे को मजबूरन रेल के नीचे आके यानी आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि जो स्कूल है, स्कूल का स्टाफ है, जो भी स्कूल संचालक है, वे कोई किसी भी तरह की सहायता नहीं कर रहे हैं। और भी है, हम पूछते हैं, राम राम दो, किस लिए खड़े हो रहे हो? मैं तो धरने पर आ रहे हैं, बच्चों को रही हो। अच्छा अच्छा, हेलो, हम आपको दिखा देते हैं जहाँ अभी एक दूसरे बच्चे को अभिभावक कार्य है। हाँ जी, बना घर में भी बच्चे ने कुछ रखा हो तो बच्चे का भी बयान हो जाएगा। एक एक सप्ताह लगातार कुत्ते अभी ने दीवारों को बिठाई। जी नमस्कार भाई साहब। ऐसा क्या हुआ जी? भाई साहब, मैं मनोज कुमार सन ऑफ श्री सुरजीत सिंह बादरा रोड पे रहता हूँ, ठीक है। मेरे को किसी का कोई यूं नहीं है भाई, बाप को डर है, माँ को डर है, कोई और है, मैंने कोई मतलब को नहीं क्यों है। आ घटना मेरे टाबर का सागर घट सका है, और ये भाई का सागर घटी है तो कोई जरूरी को नहीं भाई मेरे टाबर का सागर कौन घट सका है, ठीक है। बाकायदा एक दो बार मेरे कहना कोई दबाव और गया टाबर डर गयो मेरो, ठीक है। बिंगा बावजूद मैं पूछो बार बार मो बेटा कोई बात, तो मेरा बच्चा आई बात करी, बोलो पापा दो तीन बार बंसी मास्टर बुला बुला भी छोरन इतो टॉर्चर करे हद ज्यादा, और अनमनोबली बना रहा कि इंगो भाई है पुलिस डिपार्टमेंट में, ठीक है। बिंगा कारण पुलिस वाला पर्चो दर्ज कौन करे हालात। अब आज एक छोटी सी बात है जी, ओ टाबर हो ए, ओ मरियो इतनी बेदर्द मौत कोई आज बड़ो इंसान भी कौन ले इसका जी। ट्रेन का गानो ठीक है, सब रेपी जी फांसी खा दी और कर जी, मन ट्रेन का गानो बड़ो दोरो काम है जी। सार कर जावे जा ट्रेन हूँ, आपा की ताक भी सार कर चले जाऊंगा। तो कोई आपका लड़का पटे कोई बात कोई बताई है उसने? लड़के ने यही बात बोली है, दो जितने लड़के ये नहीं है भाई, वो उसके दोस्त तीन चार बार चार दफा मैंने पूछा उनसे भी, खुद के उसके बेटे के दोस्त है वो भी आगे यही बात बोल रहे थे भाई, बोलो क्या हर बच्चे को मान लो जिस तरह अब ये 85% नंबर बताओ इसका आठवीं में आगो नहीं भाई, और कमजोर होटा पर चलो कमजोर हो मान ली सारी बात माना जी, तो इंगो अधिकारी तो कितो गए भाई, और मैं टाबर ना भी मैं बिड़ा के मारू और करूं सारी चीज करूं जी, है फिर तो बुला के टाबर को नाम काट दे और मारे को, कोई जरूरी थोड़ी है भाई, और मैं पर हाँ टाल कर दिया अनपढ़ रे यार मारो जानू तो कौन मरा जी वो। हाँ जी, आगे की क्या कार्रवाई है? हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, आप नवीन के फादर? हाँ जी। हमारे साथ नवीन के फादर है, इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ नवीन के मन में, ऐसा क्या आया कि उसको मजबूरन रेल के नीचे आके यानी आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, क्या नवीन कितनी उम्र का था? नवीन की उम्र 14 साल थी जी। कौन सी क्लास में था? 9th में था वो। तो क्या ऐसा क्या हुआ जी? अब इस चीज का तो वो प्रिंसिपल जब पकड़े जाएंगे तभी पता लगेगा भी क्या बात हुई। तो आपको घर पे कोई? घर पे कुछ नहीं बताया जी उसने, अगर घर पे बता देता तो ये नौबत नहीं आती जी, हम स्कूल से हटवा लेते उसको, और तो क्या था। कब की बात है ये? 10 तारीख की बात है जी। तो कोई प्रशासन कोई कुछ? प्रशासन का अब ये देखो जी, 5 दिन में तो इन्होंने FIR दर्ज की है। हाँ जी, कोई फिलहाल कोई ना अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई जी। हाँ जी, एक दिन हमने रोड जाम करा था भाई साहब रात को 12 बजे, जिसमें सुशील था लोड, सरपंच साहब हमारे साथ सेठी और अन्य इनके फादर भी थे लड़के के, रात को जो हमने बुलाया था भाई साहब और बहुत सारे लोग थे, तो पुलिस वाले आते हैं हमें धमकाते हैं ये बात, और देखो बोल तुम्हारे खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाएगा। तो ये नवीन के फादर हैं, 14 साल की उम्र बताई जाती है। आपको ये और बताता हूँ मैं, बोलो जी बोले आपका केस दर्ज करेगी रेलवे, करेगी रेलवे कहती है हरियाणा पुलिस करेगी, ये कोई तरीका थोड़ी है दर्ज, हमें तो दर्ज करवा के देव जी। मिले हैं उनसे भी मिले हैं, कोई आश्वासन नहीं दे रहे। कदम तो भाई साहब जिस तरह अब पहले तो ये हमारे साथ जैसे ये कहेंगे मारण मरण तक तैयार है भाई, बात ये है फुटेज आई हुई है तो उन फुटेज के आधार पर बच्चे को बार बार दो वीडियो आई हुई है, उनमें से लग रहा है दीवार को बच्चों को पटक पटक के मार रहे हैं, कभी पीछे से पकड़ के आगे ब्लैक बोर्ड के दे के मार रहे हैं, तो मतलब बच्चे को बार बार सुसाइड करने के लिए परेशान किया गया है, कि मानसिक रूप से इतना परेशान किया बच्चे को कि बच्चे को ये कदम उठाना पड़ा।
और जो क्लास में टीचर है, बच्चे हैं, जो वीडियो में सामने आए हुए हैं, प्रशासन उनसे सवाल करें, उनसे पूछताछ करें, उनको अरेस्ट करें कि क्या मुद्दा था क्या नहीं था। हाँ बिल्कुल, हम तो गांव राम है, हमारा बच्चा टीचर भी है, लेडीज टीचर थी वो। एक बात और, आज आप अपने जो दो बार इसकी वीडियो आई है, दोनों बार एक बार तो मैडम है, एक बार टीचर है, और जब ये फुटेज देखी उससे पहले वो दोनों मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसी कोई पिटाई नहीं होती। अब क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जी? कार्रवाई जरूर होनी। और एक इनके चेयरमैन है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? उन्होंने उसको तीन बार उसको भगाया है बंसी को। नहीं, डायरेक्टर खुद कह दी भाई मैं पढ़ूं तो तू रहे भविष्य वो खुद कहता है कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ जी, मुझे क्या पता। और वो स्कूल का चेयरमैन है, आगे का क्या रहेगा जी? आगे का तो अब देखो प्रशासन क्या करता है जी। हाँ जी, तो प्रशासन पे उम्मीद लगाए बैठे हैं। अभी तो उम्मीद है, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर और आगे देखेंगे जी आगे की कार्रवाई। प्रशासन अगर अपना कार्य नहीं करता है तो गांव के हम पूरे सहयोग से साथ हैं, जो हमें उचित लगा वही करेंगे। अभी प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं कि वह हमें न्याय दिलवाए। इंसाफ की गुहार है। विधायक है अपने यहाँ पे कुलदीप बिश्नोई जी, क्या उनसे भी कोई? देखो जी, कुलदीप बिश्नोई जी कोई संपर्क नहीं हो पाया किसी भी नेता का। अभी देखते हैं इस जो ये परिवार के ऊपर जो दुख की घड़ी आई है, इसमें कौन कौन सहयोग करता है। वक्त जो सहयोग करेगा, साथ आएगा, उसका आगे साथ मिलेगा और साथ देंगे। नेता किसी भी पार्टी का मान के चलो, एक ऐसा मुद्दा बन गया, बच्चा है पढ़ाई कर रहा है, किस कारण वो ऐसा कदम उठाता है? बच्चे और भी पढ़ते हैं, अगर बच्चे इस तरह से कदम उठाने लगे तो पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना पड़ेगा। तो इस दुख की घड़ी में तो कोई भी नेता हो, किसी पार्टी का वो नेता नहीं होता, एक वो सहयोगी होता है। तो मैं इस बात से कह रहा हूँ, किसी और कोई नेता आया हो, कोई भी किसी तरह का पद पे हो, तो आपने कोशिश, हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है, अच्छे जननायक की जरूरत है। और वो वक्त बताएगा कि कौन कितना साथ देता है। जो हमारा साथ देगा वही एक्वायर हमें ले होगा, गाँव खेरों पर से वही विजय निकलेगा जो इस मुद्दे के अंदर हमारा साथ देगा। ठीक है जी। तो ये था, जहां 14 साल का लड़का है नवीन, और उसको किस तरह से, हम आपको फुटेज भी दिखाएंगे किस तरह से उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। हम उस बताया जाता है कि नवीन इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। कानून कोई सहायता नहीं कर रहा है, आश्वासन दिया है अभी 5 दिन में अंदर उनकी FIR दर्ज हुई है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या कानून पूरी तरह से इनका साथ देता है या नहीं देता। आप अधिक से अधिक इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इनका जो यहाँ पर बैठे हैं नवीन के पिताजी और अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है, इनका भी सहयोग कीजिएगा। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।